राहुल गांधी जी वहां से जात पात का जहर बोलते हैं, कहते हैं कि हम जातिगत आंकड़ा निकालेंगे। अखबारों में खबर आई थी कि देवधर के विधायक बाबा बने, भारतीय जनता पार्टी में सम्मान की नीति है। देवधर ऐसी जगह है जो जिला बन सकती है, देवधर की लोकेशन ऐसी है जो जिला बनने से यहाँ बहुत विकास होगा। आप जब अपने कैंडिडेट का नाम नहीं जान रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी ये जनता का नाम क्या जानेंगे और जनता का काम प्रियंका गांधी जी और राहुल जी क्या करेंगे। त्योंथर में सड़कें बनी हैं, चौरा घाट का निर्माण होना शुरू हो गया है, लिफ्ट इरिगेशन हुई है। कांग्रेस पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ जातिवाद पर वो चुनाव लड़ रही है। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष, आप देख रहे हैं अखबारदारी। आज मैं नेताजी चलते चलते कार्यक्रम के तहत रीवा जिले के सबसे चर्चित विधानसभा त्योंथर विधानसभा पहुंचा हूं। यहां हमारे साथ त्योंथर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज जी, सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके साथ चर्चा में हूं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आपका, मैं जितने भी कार्यक्रम देखता हूं, हर कार्यक्रम में आप एक बात का उपयोग बार बार करते हैं कि 50 वर्षों में कांग्रेस ने हमें जो नहीं दिया वो भारतीय जनता पार्टी ने हमें कुछ ही महीनों में दे दिया। कैसे देखते हैं इस नए परिवार को? भारतीय जनता पार्टी में सम्मान की नीति है। ये सिर्फ सिद्धार्थ तिवारी का ही सम्मान नहीं, देश के हर नागरिक का सम्मान यहाँ आता है। अंत्योदय का हमारा नारा है, पंक्ति में खड़े हुए अंतिम इंसान को साथ में लेकर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी चलते हैं। सबका विकास सबका साथ का हमारा नारा है। मुझे जितना सम्मान कांग्रेस पार्टी में 50 वर्ष की सेवा के बावजूद मेरे परिवार के नहीं मिला, उससे कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी में मिला और मैं अभिभूत हूँ इस सम्मान का। और जो जनता का सम्मान आप देख रहे हैं, कितना प्रेम, मुझे हर पंचायत में वहां जाता हूँ, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मिलने आते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का ही सम्मान करता है। अभी त्योंथर विधानसभा जब आपको टिकट मिला उसके बाद विरोधियों का लगातार एक वक्तव्य आता है कि त्योंथर बचाओ बाहरी भगाओ, इस विषय में कई सारे आपके समर्थक भी उनसे जवाब करते हैं, आपका क्या राय है? हास्यास्पद लगता है। मेरा जब जन्म हुआ था तो मेरे बाबा त्योंथर के विधायक थे। अखबारों में खबर आई थी कि त्योंथर के विधायक बाबा बने। बहुत कम लोगों को यह सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो नाती के तौर पे पैदा हो, लोग बेटे के तौर पे तो होते हैं, तो मैं तो त्योंथर के नाती के तौर पे पैदा हुआ हूँ और जिस तरह का प्रेम आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, हर घर मेरा परिवार है, हर घर मेरा अपना घर है। मुझे एक जैसे एक बेटे को और नाती को प्रेम मिलता है, उस तरह का प्रेम मुझे पूरी विधानसभा मिल रहा है। त्योंथर विधानसभा में जितने भी प्रत्याशी हैं सभी ने अपना कुछ न कुछ एजेंडा बताया कि हम इस विषय को लेकर विकास करेंगे, आपका क्या महत्वपूर्ण योजना ऐसी कौन सी है जो त्योंथर के लिए आप रखे हुए हैं? त्योंथर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पिछली सरकार में और उसकी पहले की सरकार में बहुत काम, आदरणीय श्रद्धेय स्वर्गीय रमाकांत तिवारी जी ने काम किए, त्योंथर से भय मुक्त किया है, त्योंथर को पश्चिमांचल में खासतौर से डकैतों का अड्डा हुआ करता था उसको हटाया है, इसके लिए लोगों को बलिदान भी करना पड़ा है। आदरणीय श्यामलाल द्विवेदी जी ने हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की के नेतृत्व में बहुत सारी विकास की योजनाएं लाई है। एक महती योजना जो चालू हो गई है और मैं इसको आगे ले जाना चाहता हूँ वो हमारे युवाओं के लिए है, भूमा इंडस्ट्रियल पार्क, आप सबको मालूम होगा आया है। त्योंथर का जो युवा है ये बम्बई दिल्ली गुजरात भोपाल इंदौर जाना पड़ता है काम करने के लिए। इंडस्ट्रियल पार्क हमारा जब बन के तैयार हो जाएगा तो युवा को यहीं पे पढ़े लिखे युवा को नौकरी मिलेगी। त्योंथर में सड़कें बनी हैं, चौरा घाट का निर्माण होना शुरू हो गया है, लिफ्ट इरिगेशन हुई है, 95% जमीन सिंचित हो चुकी है, जो बची है उसको मुझे सिंचित कराने का मेरा एजेंडा है। स्वास्थ्य की सुविधा पे मैं खास ध्यान देना चाहता हूँ। जो अस्पताल त्योंथर में आया था वो भी मेरे बाबा के कर कमलों से आया था। और जो लोग विकास की बात करते हैं कांग्रेस पार्टी वाले, ये दिग्विजय सिंह जी की पार्टी है, आपने कांग्रेस का विकास 2003 तक देखा है। मेरे बाबा को
अपने क्षेत्र का, अपने जिले का विकास करने की सजा कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने दी थी, और चूंकि वो संजय गांधी अस्पताल लेकर के आए थे रीवा के लिए लड़कर के बिंद के लिए, उनका मंत्री पद तक कांग्रेस ने छीन लिया था। तो आप कांग्रेस के चरित्र को जानते हैं, आप सबको मालूम है कि आज से 20 साल पहले चार घाट से अगर आपको रीवा जाना हो तो 5 घंटे लगा सकते, जो हमारे 40 के ऊपर के होंगे वो इस बात को जानते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ जातिवाद पर वो चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर फिर एक घिसेपिटे जातिवादी कैंडिडेट को उन्होंने दे दिया है टिकट, और ये इनकी विकास ना होने के कारण ये जातिवाद पे ज्यादा वो फोकस करते हैं। ये राहुल गांधी जी से चालू होता है, राहुल गांधी जी वहां से जात पात का जहर बोलते हैं, कहते हैं कि हम जातिगत आंकड़ा निकालेंगे। मुझे हंसी तब आती है जब राहुल गांधी जी और कमलनाथ की जात पात धर्म कोई नहीं जानता, और ये लोग पूरी दुनिया की जात का आंकड़ा निकालने की बात करते हैं। जब कोई विकास के एजेंडा ना रह जाए तो किसी तरह की फालतू की बातें करनी पड़ती है। त्योथर विधानसभा की एक सबसे बड़ी मांग रही है, संयुक्त राष्ट्र रक्षा जिला निर्माण मंच ने भी ये मांग रखी है कि त्योथर को जिला बनाए, जो नेता त्योथर को जिला बनाने की बात करेगा हम उसके साथ चलेंगे, आपकी इस विषय में क्या राय है? आपने गढ़ी वाली मुख्यमंत्री जी की सभा देखी थी क्या? दौर की थी जी। मैंने मंच से मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है, विधायक बनने के पहले आग्रह किया है कि त्योथर ऐसी जगह है जो जिला बन सकती है, त्योथर की लोकेशन ऐसी है जो जिला बनने से यहाँ बहुत विकास होगा। दो शहरों के बीच में है रीवा और इलाहाबाद, और जिला बनाने के लिए जो कुछ एक विधायक के हाथ में होता है मैं सब कुछ करूँ, और मैंने ये मंच से घोषणा की है, कोई सिर्फ टीवी के सामने नहीं किया। एक अंतिम सवाल मेरा, आपको भारतीय जनता पार्टी ने रीवा जिले में एक स्टार प्रचारक के रूप में भी उपयोग किया है, तो मैं जानना चाहूंगा कि रीवा जिले में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी के आपके हिसाब से आ रही है? रीवा जिले में 8 सीट हम पुनः रिपीट कर रहे हैं, कांग्रेस सेल्फ गोल में माहिर है। मैं तो चाहता हूं राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी बार बार आए, जितनी बार आएंगे उतने वोट कम होंगे। मैंने तो कहीं शायद क्लिप में पढ़ा था, अब आप लोग ज्यादा बताएंगे मीडिया वाले, कि किसी एक कैंडिडेट को इन्होंने नाम भी गलत दे दिया था, ऐसा हुआ था क्या जी? किसका नाम गलत दिया था? रमाशंकर जी का ही था। आप जब अपने कैंडिडेट का नाम नहीं जान रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी, ये जनता का नाम क्या जानेंगे और जनता का काम प्रियंका गांधी जी और राहुल जी क्या करेंगे। जमीन से कोसों दूर हैं, सोफे की ड्राइंग रूम की राजनीति कमलनाथ और राहुल गांधी दोनों करते हैं, और इस गाड़ी को चलाने वाले खास ड्राइवर दिग्विजय सिंह जी हैं। बंटाधार प्रदेश का किया था दिग्विजय सिंह जी, वो नेता हैं जिन्होंने कहा था काम करने से वोट नहीं मिलता, काम नहीं करना चाहिए, सरकारी कर्मचारियों का वोट हमें नहीं चाहिए, छोड़ के चले जाएं, तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा, टीए नहीं बनाऊंगा, डीए नहीं बनाऊंगा, रोड नहीं बनानी चाहिए, बिजली नहीं होनी चाहिए, वो पार्टी है। आपको जनता को याद दिलाना चाहिए कि विकास को लेकर के दिग्विजय सिंह के जो शब्द हैं वो कमलनाथ वही बोलते हैं वही करते हैं। ये जो सरकार है ये एक कॉन्ट्रैक्टर कमलनाथ जी हैं, उनके पेटी कॉन्ट्रैक्टर दिग्विजय सिंह जी हैं, दो पिता और दो पुत्रों के लिए कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय और हर घर के बच्चे के भविष्य के लिए काम, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। तो आपने देखा कि हमारे साथ अभी त्योथर विधानसभा से सिद्धार्थ तिवारी राज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने आप लोगों के सामने चर्चा की। आगे की खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। मैं हूँ आशुतोष शुक्ला, द खबरदार न्यूज़, त्योथर।